धातुओं को त्रिकोणमिति समझाऊंगी। त्रिकोणमिति सभी को बहुत टफ लगता है, लेकिन मैं इसे बताऊंगी आसान तरीके से, कैसे आपको समझना है कि सारे सूत्र इसके बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। सबसे पहले देखिए, त्रिकोणमिति में होता है ये एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये हमने लिया पॉइंट ए बी सी, अब ये कोण लिया हमने थीटा। थीटा कोण के लिए, कोण बी के लिए लंब कौन सा होगा? इस कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। त्रिकोणमिति में क्या होता है, जिस भी भुजा के बारे में, जिस भी कोण के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है और उसके नीचे वाली भुजा आधार कहलाती है। और ये ए बी भुजा के भी कर, ठीक है। अब यदि हम इस कोण की बजाय इस कोण की बात करें, थीटा कौन सा कोण लिया हमने, कोण ए, तब इसके लिए लंब होगा ये वाली भुजा, इसके सामने वाली भुजा लंब और इसके नीचे वाली भुजा आधा। फिलहाल हम कोण बी को थीटा लेकर आपको बताते हैं। अब इसका सबसे सरल सूत्र है, हमको याद करना है साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है। इसका सूत्र है लाल बटे कक्का और कक्का बटे लाल। इसको देखेंगे और सारे मान हम रखेंगे। देखिए, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लाल मींस, एल मींस लंब, ए मींस आधार और के मींस कर्ण। तो ये है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण हो गया साइन थीटा। अब कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये दूसरा वाला देखिए, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तीसरा क्या हुआ, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब हम आते हैं इस वाले में, टेन थीटा के बाद कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, इस साइड से लेंगे हम लोग, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब सेक थीटा, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। इसके बाद हम आपको सारणी बनाना बताएंगे एकदम आसान तरीके से, और सर्वसमिका को एक सर्वसमिका से दो सर्वसमिका बनाना समझाएंगे। ये हो गए हमारे बेसिक सूत्र। इसके अलावा अब मैं बताती हूँ सारणी। आसान तरीके से आप लोगों को त्रिकोणमिति सारणी बनाना बताऊंगी, जिसे आप बिना देखे बना सकते हैं और आपको याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये हमने बना लिया चार्ट, ये लिया थीटा, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। ध्यान से देखेंगे, आसान है। सबसे पहला इसका क्या देखेंगे हम लोग, यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4। अब दूसरी लाइन में इसमें सबसे चार से भाग दे देंगे, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। भाग देने के बाद क्या आ जाएगा, इसका आया 0, इसका 1/4 ही होगा, फिर इसमें 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 काट दिया 1/2, इसका 3/4 और इसका 1। अब क्या करेंगे हम, इस सबका हमको करना है करनी, क्या करेंगे हम, इन सबका करनी, करनी करेंगे तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पर 1 का करनी 1, 4 का करनी 2, यहाँ पर 1 का करनी 1 और 2 का करनी 2, यहाँ पर
करनी थी, चार का करनी दो और यहाँ एक का करनी एक। ये हमारा मान है साइन थीटा का। इसका मान हुआ ये साइन थीटा का। अब हमको क्या करना है, कॉस थीटा। आसान है, देखिए कॉस थीटा यहाँ से उल्टा उतार लीजिए, ये एक, ये करनी तीन बटे दो, एक बटे करनी दो, ये इधर आ जाएगा एक बटे दो और ये यहाँ आ जाएगा जीरो। अब टेन थीटा, टेन थीटा के मान के लिए क्या होता है, टेन थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा मतलब लंब बटे आधा, इसको और इसको हम डिवाइड कर देंगे, जीरो बटे जीरो, ये भाग देंगे तो ये और ये कट जाएगा, ये बचेगा एक बटे करनी तीन, ये कट गया ये बचा एक, ये कट गया ये बचा करनी तीन, और एक बटे जीरो क्या हो जाता है, अनंत। ठीक है, इसके बाद कॉट थीटा। कॉट थीटा के लिए, कॉट थीटा का मान अब हम टेन थीटा का उल्टा, जैसे हमने साइन का उल्टा कॉस में किया ऐसे ही टेन का उल्टा, तो यहाँ से लिखे इन्फिनिटी, ये करने तीन एक, एक बटे करने तीन और ये जीरो। अब हमारा आता है सेक थीटा। सेक थीटा होता है एक बटे कॉस थीटा, तो एक बटे कॉस थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बटे एक जीरो, फिर करनी तीन बटे दो, इसका उल्टा करते जाइए, दो बटे करनी तीन, ये करनी दो, ये दो और इसका एक बटे जीरो मीन्स इन्फिनिटी। एक और लाइन लेते हैं, ये कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा के लिए जैसे हमने टेन में किया कॉट का उल्टा, साइन में किया साइन का उल्टा कॉस, ऐसे ही सेक का उल्टा, यहाँ से लिखिए ये टू, ये करनी टू, ये टू अपॉन करनी थ्री और ये जीरो। ये हमारी कंप्लीट हो गई त्रिकोणमिति सारणी, आसान तरीके से, जो कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब हम पढ़ेंगे सर्वसमिका। एक सर्वसमिका से हम आगे की दो सर्वसमिका बनाएंगे। पहली सर्वसमिका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, ये पहली सर्वसमिका। इससे हम दो और सर्वसमिकाएं बनाएंगे, इसे पक्षांतर करेंगे इस साइड, हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरी बार में साइन स्क्वायर थीटा को पक्षांतर करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से एक सर्वसमिका से दो और सर्वसमिकाएं पक्षांतर करके हमने बना ली। इसे तीन सर्वसमिका याद नहीं करना पड़ेगा। अब हमारी दूसरी सर्वसमिका है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इसके लिए अब हम इसे पक्षांतर करेंगे टेन स्क्वायर थीटा को, यहाँ पर बचेगा वन इक्वल टू यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसको आप ऐसे पढ़ सकते हैं, sec square theta minus tan square theta बराबर एक। अब हम वन को पक्षांतर करेंगे, tan square theta बराबर sec square theta minus वन। ये हमारी दो और सर्वसमिकाएं तैयार हो गई। अब हमें क्या करना है, तीसरी सर्वसमिका वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये दूसरी, ये तीसरी, इससे हम दो और बनाएंगे। क्या करेंगे हम, इसे इधर ट्रांसफर करेंगे, क्या हो जाएगा वन इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। एक सर्वसमिका बन गई। अब दूसरी बार में हम वन को पक्षांतर करेंगे, तब क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये बन गई आपकी दो और सर्व। इस तरह से देखा आपने
एक दो तीन, तीन सर्वसमिकाओं से हमने छह सर्वसमिका बना ली। आप आगे भी इसी तरह वीडियो देखते रहिए।